अभी भी बच्चे हैं, अपना हाँ टाइम नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा रेस्ट मिले ताकि हम लोग भी इंजॉयमेंट कर सकें। थैंक यू उनको पिया दे सके दे सके और उन लोगों की फैमिली को भी समय दे पाए। आपकी कोई कंप्लेंट नहीं है क्या? सिर्फ दो ड्राइवर लोग हैं। क्या बोल रहा है? पूछ रही सर कि सर 8 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे रखिए प्लीज, 8 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे रखिए प्लीज सर, इसको 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे मत कीजिए। आपका लिविंग ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। अभी इन्होंने एक बात कह दी, मैं हूं ना, तो हर चीज के लिए आप इनको बोलते हैं मैं हूं ना, आप ड्यूटी कीजिए, आपके लिए भी ये है और रहेंगे। और इसके आगे हम ये भी ख्याल करेंगे, कोई फैमिली बीमार है करके छुट्टी मांगते तो कृपा करके दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, क्या नाम है आपका? सौम्या। आपने देखा है रेल 24 घंटे चलती है? आपका जो सवाल है उसी में मैं आंसर दे देता हूँ। 24 घंटे चलती है एक रेलगाड़ी, कम से कम 1000 लोगों को लेके जाती है, बाकी जो गुड्स ट्रेन है बहुत सारा सामान ले जाती है। सामान पहुंचना चाहिए जगह पे और लोगों को भी अपनी छुट्टी जो निकालते हैं रिजर्वेशन वो भी सही समय पे सही तरीके से घर पहुंचने चाहिए। हाँ। तो कौन चलाएगा गाड़ी को? तो मेरे पापा ड्राइवर होंगे ना। देखो दीज आर द वेरी जो इसको बोलते हैं ना निरागर सवाल है। और काफी हद तक सर जो जितनी पोस्टिंग आपने ली है दो महीने तो नहीं लगता शायद 5 से 6 महीने लग जाएगा, राहत मिलेगा कि समय पर हम उनको कम से कम जो वीकली रेस्ट होता है वो प्रोवाइड कर सकें। मैं आपको इस माध्यम से एक महीने का बात कर रहे हैं, महीने में 4 रेस्ट जरूर दूंगा। मोनिया जब मैं कैंसर को बोलते ना आपने मैंने भी मेरा में बुलाया करके कैंसर मत करना। मैं जरूर कोशिश करूंगा और नैनोजी भी कम हो ये भी देखूंगा। सैटरडे संडे के लिए मैं ऑर्गेनाइज करा देता हूं एंड इट विल बी ओपन फॉर फैमिली आल्सो, और साथ में अपने बच्चों को भी ले आ सकते हैं कोई इशू। आप फैमिलीज का है, हम ये चाहते हैं कि वो पूरा का पूरा ध्यान आप अभी रखते आ रहे हैं और आगे भी ऐसा रखेंगे। इसके उपरांत गोरपड़ी लॉबी के इंचार्ज श्री आर के मौर्या जी से रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी दो बातें रखें। चीजें जो हमारे बीच में चल रही हैं फैमिली के साथ में उसको जोड़ करके किस तरह से उसको और अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है, तो इसके लिए हम फ्री तकलीफ में हैं। तो हमारा लोगों का ताल्लुक एक सुरक्षित माहौल में जो जितना आउटपुट दे रहा है मतलब 99.9999% वो अपने काम को सुचारू रूप से कर रहा है और पूरा डिवीजन सुरक्षा के मामले में अन्य के जगहों से काफ़ी आगे भी है, जिसका श्रेय बहुत घटा श्रेय फैमिली मेम्बर्स को भी जाता है। एक रनिंग स्टाफ जब अपनी ड्यूटी को बर्बाद करता है तो उसके साथ साथ में उसका पूरा परिवार उस ड्यूटी में इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि किसी भी टाइम रात को 1 बजे उठ के जाना है ड्यूटी में, 1 बजे का लाइन को उठना है, 2 बजे प्रिपरेशन करना है, 2 बजे 3 बजे निकल जा रहा है, ड्यूटी खत्म करके 3 बजे 4 बजे आ रहा है, 4 बजे आने के बाद में
बच्चे हैं, बच्चों को भी 6 बजे से 7 बजे तैयार करके भेजना है। तो एक लोको पायलट जिस तरह से एक पर्सन के साथ में अपना योगदान देता है, फैमिली का योगदान उससे कम नहीं है। वो लगातार परिवार बच्चों को मेंटेन करती है, तभी संचालन संभव हो पाता है। तो बिना इसके जैसे हम फैमिली के साथ में होते हुए जो काम करते हैं, जैसे फैमिली थोड़े टाइम के लिए गुजरा जाती है, तो उनको सिर्फ इसी बात की दिक्कत होती है कि अब हमें थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि बहुत सारी कॉल्स हमारे रहती हैं, हम अपने फोन को बंद भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेरा रेस्ट तो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी आराम करना है तो मोबाइल को बंद भी नहीं कर सकता है। अभी मोबाइल पे कॉल भी आनी है और आराम भी करना है। तो ऐसे में हमने देखा है इसलिए उनके मोबाइल को ले करके बाहर रखते हैं और लोको पायलट अच्छे से आराम कर सके। लेकिन जैसे ही ऑफिस की कॉल आती है वो देर करके नहीं, ऑफिस की इम्पोर्टेंट कॉल है जिसको जगा देना चाहिए। तो मतलब शायद उनको भी कंपनी नहीं जा रही होगी, लेकिन नहीं, वो सावधान होकर के तीन बार समय पर टाइम पर भेजता है तो ड्यूटी में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट करती है। तो सुरक्षा संचालन में आपका बहुत योगदान है और आप योगदान दे रही हैं, तभी शायद रेलवे इतने सुरक्षित ढंग से चल रही है। और मैं साथ में बताना चाहूँगा कि एक लोको पायलट की ड्यूटी हमारे दूसरे लोग जो ड्यूटी करते हैं ऑफिस में ड्यूटी है, कैसे थोड़ी सोच दिया जाता है। हम जब ड्यूटी में वर्क फ्रॉम कर ऐसा नहीं बोला कि वर्क टफ ड्यूटी, वर्क टफ ड्यूटी भी नहीं है, बात है ड्यूटी को सेम टाइम में वर्क फ्रॉम करने की। हम लोग ऑफिस लगन जैसे बैठ के काम करते हैं, हमें चाय पीने की इच्छा हुई, हम अपने काम को 5 मिनट के लिए रोक सकते हैं। हमें खुश होना है, हम अपने काम को 5 मिनट के लिए रोक सकते हैं। हम आधा घंटा रोक करके खाना खा सकते हैं, या एक कोई दोस्त आ गया या सामने वालों की कॉल आ गई, उससे 5 मिनट बात कर सकते हैं। लेकिन क्या यह संभव है लोको पायलट की जिंदगी में काम करते समय? नहीं। या हम बहुत थके हुए हैं, चाय पी करके 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके रिफ्रेश होकर के काम कर लेते हैं, क्या एक लोको पायलट की ड्यूटी के दौरान यह संभव है? नहीं। और अपनी जो ड्यूटी उसको करनी है उसको उसी सेकंड में उसी टाइम में परफॉर्म करनी है। उससे 1 मिनट लेट हो जाए, 1 मिनट तो बहुत देर की बात हो जाए, 1 से 2 सेकंड अगर देर हो जाती है तो कुछ अलग ही निर्णय उसका हो जाएगा। तो इस मामले में बहुत अलग ड्यूटी है और उसके साथ साथ में सिर्फ देर नहीं, किसी भी टाइम में खाना खाना है, किसी भी टाइम में सोना, शाम के 4 बजे और मैंने भी काम करते समय जो सबसे बड़ी कठिनाई देखती हुई, ठीक है सोने थोड़ा सो लिया रात में और ड्यूटी चला गया, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या शाम को 4 बजे मेरी ड्यूटी खत्म हो रही, मैं किस रेलवे में पहुंचा हूँ अभी अभी 6 घंटे या 8 घंटे में खुद से जाना है। तो अगर मैं रात में सोच गया हूँ 6 घंटे 5 घंटे ड्यूटी के, आप 4 बजे हमें जबरदस्ती सोना है, अब उस बोर्ड में हमें आने के लिए मशीन तो है नहीं, किसी चार्ज किया मोबाइल चार्ज किया या चार्ज में लगा दिया हो गया, ऐसा संभव होता नहीं है। फिर हम 1 घंटे 2 घंटे या जो थोड़ा कोशिश करते हैं, प्रयास तो करता है कि हम 2-4 घंटे की ड्यूटी उसमें आराम करें, उसमें खाना खाना है, तभी ड्यूटी फिर से आपको 12 बजे फिर तैयार हो जाना चाहिए। इस मामले में अन्य की ड्यूटी से लोको पायलट की ड्यूटी निश्चित तौर पर बेहतर, उसके लिए उसके मन में अगर 7 बजे जीना अगर सीखा है, तभी अगर मतलब सामने वाले को किसी को देखा और उसे सटेली याद आ गया, अरे इससे तो मेरा पिछला झगड़ा हुआ था, अगर उसने उस चीज को लेकर के अपने मन में गुस्सा आया तो जनरेट हुआ तो थोड़े साल तक चलता रहेगा। तो मतलब हमें प्रेजेंट में जीना सीखना और मेरी जो पूरी ड्यूटी होती है प्रेजेंट में चलती है, बस पिछले स्टेशन में क्या हो गया उन चीज़ों को भूलना है, अगली ड्यूटी में क्या होगा भूलना है, जस्ट सामने क्या सीखा आया है उसको और अच्छे से कैसे परफॉर्म कर सकें,
ज्यादा समय न लेते हुए मैं आगे और कार्यक्रम बढ़ने आपकी तरफ से सोचने वाला धन्यवाद। छुट्टी के लिए घर से बाहर निकलता है, जब छुट्टी में जाता है बहुत सारे परेशानियों को या कठिनाइयों का सामना करके जब वापस घर में आता है तब उसका घर में भी स्वागत अच्छे तरह से होगा, उसको भी अच्छा लगता है। और जब छुट्टी के लिए जा रहा है तब भी वो हंसते हुए भी वो छुट्टी के लिए जाएगा, उसके बैकअप तो माइंड जैसे वंदना जी ने बताया, कुछ फ्यूचर कुछ पास्ट साथ में ना लेते जाते भी है। मोटिवेशन फैक्टर वो यही है कि योग से प्राणायाम से और ध्यान से मुझे ऐसा लगता है कि 70% चौदह 100% है। 70% से आप वेरी कोज वेंगा एक सिंपल बात बता रहे हैं, योग करने से विद इन अ मंथ आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। मतलब इंस्टेड ऑफ मेडिकेशन यू हैव टू गो टू फॉलो मेडिकेशन, क्योंकि मेडिकेशन तो कितना भी करते रहेंगे, मेडिकल को जाके मेडिसिन कितना भी लेंगे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो मेडिकेशन से मिलेगा। और सर ने प्रॉमिस किया है आप लोगों से कि सैटरडे संडे को हम सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, एक बार आप करने के बाद आप खुद रियलाइज करेंगे कि आपको कितना रिलीफ मिल रहा है मेंटली और फिजिकली, यू आर वेरी हैप्पी एंड एंथुसियास्टिक। फिर ये जो कंप्लेंट्स रहेंगे शायद वो भी 70% डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जब आपकी कंप्लेंट वो बहुत वैलिड है बट जिस तरह से जो काम है उसके लिए एवरीबॉडी इज बाउंड टू डू द वर्क, तो काम करना ये हमारा एक जिम्मेदारी है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं ये कंप्लेंट अपने आप डिसॉल्व होगी और शायद हम और अच्छे सुंदर तरीके से एंथुसियास्टिक तरीके से अपने काम को भी निभा पाएंगे, अपने शरीर पर भी ध्यान दे पाएंगे, अपने मन पर भी ध्यान दे पाएंगे। और उनकी फैमिली
जैसा कि दीपक ने मुझे बताया कि पुणे में फैमिली में हम सर्जरी करेंगे और आप निरंतर नहीं जा पा रहे थे पुणे वाला आप लोग अटेंड करेंगे, तो मैं वैसे एंट्री को रेडी और मुझे आगे दिन से पहले पता चला क्या हो रहा है, तो मुझे खुद गर्व है और खुशी हो रही है कि मैं आप लोग देख रहा हूँ। और उसका जो प्रयोग था इस मेला का, उसमें ये था कि हमारे जो रनिंग स्टाफ है, हमारे जो रेल सहकर्मी हैं, खासकर जो हमारे लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट हैं, उनके आराम पर रेलवे ध्यान दे रही है। हम रनिंग ग्रुप में वही प्रशिक्षण देना चाहते हैं उनके खाने पीने की आराम करने की, तो उनको घर में नहीं दे, घर में भी वो जाते हैं तो उनको अच्छा आराम मिले, क्वालिटी आराम मिले, इसके लिए हम आपसे आह्वान करते हैं कि आप उनको सहयोग दें। और इसमें सबका भला है, सबकी भलाई भी है और हमारे रेलवे का जो संरक्षण है उसके लिए भला है। और हमारे जो लाखों करोड़ों जो पैसेंजर्स हैं वो उन्हीं के बदौलत चल रहे हैं, तो उनकी भी सुरक्षा हमारे हमारी जिम्मेदारी करती है। खासकर पूना मैडम ने आप लोगों को बताया होगा कि आटा ब्रीविंग ऐसे अपने को खुश करके उसकी एक कला है, इसको सबके अंदर प्रसारित करने की जरूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वैसे ही ध्यान दें जैसे हमारे शिक्षकों को भी आपके परिजनों का ध्यान